टीवी मेजबान तारक अजीज गार्डन टाउन लाहौर में रहते हैं टीवी मेजबानी में बहुत नाम कमाया तीस साल नीलाम घर और बजमे तारक अजीज करके नया रिकॉर्ड कायम किया यह शुरू कब और कैसे हुआ था ये पाकिस्तान टेलीविजन का आइडिया था जो बड़ी रफ़ शक्ल में था तो मैं और मेरा प्रोड्यूसर आरिफ हम बैठे दो दिन हमने इस पर सोचा तो नीलाम घर की एक शक्ल निकल आई सैकड़ों शोज और मुसलसल तीस साल तक लैरी किंग तो पच्चीस साल के बाद रिटायर हो गए आप थके नहीं देखने में मैं पैंसठ साल का लगता हूँ या सत्तर साल का लगता हूँ मुझे नहीं पता लेकिन जब मैं स्टेज पर आता हूँ और कैमरा सुरख आंख से मुझे घूरता है उस वक्त मैं पच्चीस साल का फिट आदमी हाय हाय उस्ताद दामन याद आ गया कहना कि स्टेज तो होइए तो असि सिकंदर होंगे हैं स्टेज तो थले उतरी तो कलंदर होंगे हैं जब दामन उलझ जाए हुकूमत न असी चुप चाप अंदर होंगे हैं तज्या तो करते होंगे कि आपको मकबूलीत किस चीज़ से मिली आपकी शख्सियत से बोलने के अंदाज़ से या प्रोग्राम के फॉर्मेट से बड़ी यूनिक आवाज़ है मेरी लेकिन इसमें मेरा क्या है ये तो मेरे रब की देन है ये दराज़ कद ये खूबसूरत चेहरा ये मिशगा दराज़ा यह सारे कुछ तो खुदा का दिया हुआ है इसका फॉर्मेट भी ऐसा था कि चूंकि पाकिस्तान में पहली बार इस तरह का शो आया था जिसमें टेलीविजन लेने की बजाय देता था कैरियर में आला मकाम की वजह तकदीर थी या कुछ और सिर्फ तकदीर कोई चीज़ नहीं है तदबीर उसके साथ साथ लगी हुई है पच्चीस से जायद फिल्मों में काम किया इंसानियत तो सुपरहिट हुई फिल्मी दुनिया को खैर बात क्यों कहा वैसे खूबसूरत दुनिया थी कभी कभी जी चाहते हैं ये मैं किस क्यों छोड़ आया मेरी प्यास शायद ज़्यादा है और चश्मे मुझे कम मिले तो लेकिन एक बात आप देखेंगे कि मैंने जितने शोबे अपनाए हैं वो अबलाग के अपनाए हैं उन्नीस सौ में टेलीविजन से मुंसलिक हुए कई बार निकाले भी गए आने और जाने का तजर्बा कैसा रहा मैं टेलीविजन से पाकिस्तान टेलीविजन से दो महीने बड़ा हूँ उम्र में सीनियर प्रोड्यूसर की हैसियत से कराची में काम कर रहा था तो यहाँ टोबा टेक सिंह में किसान कॉन्फ्रेंस हुई मुलाभा ने ईस्ट पाकिस्तान से जो आए थे बांग्लादेश अब तो है किसान कॉन्फ्रेंस किसान कॉन्फ्रेंस में वहां मैं पता नहीं मुझे क्या हुआ मैं वहां से उड़ा अपना बेहतरीन सूट पहना और टैक्सी लाहौर से ली और सीधा मैं वहाँ पहुंचा और मैंने कहा जी के पाँच मिनट मैं भी कुछ कहना चाहूँगा मैं कोई पैंतालीस मिनट बोला हूँ जी पाँच मिनट की जगह और पिन ड्रॉप साइलेंस में कराची पहुंचा हूँ तो गेट पर रोक लिया गया कि हुजूर आपकी नौकरी खत्म हो चुकी है तो यूं पहली बार हम ससुराल से निकले जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर में दूसरी बार निकले फिर एक दफा बेनज़ीर साहिबा के दौर में भी निकले मीर, मीर कहता है कि हम खस्ता दिल हैं तुझसे भी नाजुक मिजाज तर त्यूरी चढ़ाई तू ने यहाँ जी निकल गया कितने शेर याद हैं आपको मुझे क्या पता सैकड़ों याद नहीं सैकड़ों तो मेरा ख्याल मामूली बात है सत्तर में पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया जब मैं वापस पहुंचा हूं टोबा टेक सिंह से तो रात को मुझे भुट्टो साहब का फोन आया उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ काबिल आदमी थे पढ़े लिखे स्मार्ट खूबसूरत मुझे ज़ाती तौर पर भी वो मैं बड़ा हुसन परस्त आदमी हूँ हुसन परस्ती का लाजमी नतीजा तो घर की लड़ाई होता है ये किस्मत हुसन परस्तों की किस्मत तो और होता क्या है मजनू के साथ क्या हुआ सौदाना तन हमारे से शोला कबू उठा भट्टी की तरह जल गए कुछ मन ही मन में हम पीपल्स पार्टी छोड़ क्यों दी जो रद्द इनकलाब ताकती थी जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे वो इकट्ठी होती करीब भुट्टो साहब के करीब होती गई और वो जो इनकलाबी थे वो थोड़ा ये अपना अपना रोल होता है भुट्टो के साथी रहे और हक से कुर्बत रही ये तजाद नहीं दोस्ती हक हक साहब से मुझसे दोस्ती कर रहे थे मेरे पास अगर आप कहें उनके कोई आठ दस खत पड़े हैं मेरे पास जिनका मैंने कोई जवाब नहीं दिया था बाकी मैं उनका इंटरव्यू करने गया वो टेलीविजन ने मुझे कहा आपका जी नहीं चाह रहा था नहीं मैं तो प्रोफेशनल आदमी हूं मैं अपने दुश्मन का भी इंटरव्यू कर सकता हूँ कहा पीपल्स पार्टी की सियासत देखें आप मुस्लिम लीग में चले गए देखे ना मैं आ, आप तो बाए बाजू से वापसता थे तेरा साल मैं चुप बैठा रहा सिवाय किताबों के मैंने कुछ नहीं पढ़ा बात ही के मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे टिकट दे दिया और इमरान खान के सामने खड़ा कर दिया उसको चार हजार वोट मिले मुझे पचास हजार वोट मिले उसके बाद ढाई साल में वो बकौल मियाँ मुनीर साडा पतीला ही हो गया मुशर्रफ साहब आ गए तो आप उनके साथ मिल गए नहीं मैं कहां मिल गया मेरे मौला बुलाले मदीने मुझे तो जब आप चले गए तो बाद में किसी ने तो पार्टी को संभालना था यहां मैं चौधरीयों को दाद देता हूं कि उन्होंने पार्टी को संभाला इनका काम था कि जब वापस आए थे चौधरीयों का शुक्रिया अदा करते कि आपका बहुत शुक्रिया आपने मेरे बाद पार्टी को संभाला एक्टर डायरेक्टर अनाउंसर प्रोड्यूसर तकरीबन सब शुभों में काम किया सियासत भी की शायरी भी की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी खिताबत लगी जी। क्या अब भी दिल चाहता है कि सियासत के मैदान में जाकर स्टेज से खिताब करें वसल उसका खुदा नसीब करे मीर जी चाहता है क्या क्या कुछ लेकिन क्या करें पैरों की जंजीरें भी तो देखनी पो, वो भी तो छनकती हैं ना बाएं बाजू की सियासत से कैरियर का आगाज किया फिर दाएं बाजू की मुस्लिम लीग में चले गए आप कहाँ खड़े हैं अंदर से मैं वही हूँ जो आप पहले कहते हैं बाएं बाजू का जी बाकी आजकल मैं टी पार्टी में हूं क्योंकि मैं इन सब दोस्तों को देख चुका कोई उंगलियां नचा के बात कर रहा है कोई वैसे ही धमकियां दे रहा है सही उर्दू तक नहीं बोलते बाकी तो और क्या कहना ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सब मेरी सियासी जिंदगी की आवार हैं। कह लीजिए ये मेरे वालिद मोहतरम की तस्वीर है ये पाकिस्तानी, जिन्होंने 1936 में अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखना शुरू किया था मलिका तरन्नम से कहते थे खूबसूरत बड़ा खुश अकल और खुश शकल ये मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी मलिका और आ, महजब औरत थी ये मेरे घर में तशरीफ लाई थी मैं शायद उसे अच्छा लगता था वो मुझे अच्छी लगती थी दोस्त इसी तरह ही तस्वीर बनवाते हैं हंसते हुए अपने सियासी रफीक मियां मुनीर से मिलने मॉडल टाउन पहुंचे जो है इनमें अंदर का तारक अजीज़ कहते हैं आप वो नहीं में मार सकता न्यूयॉर्क में थे तो इनके पासपोर्ट में लिखा हुआ तारक अजीज़ अच्छा इराक वाला फ़ॉरन मिनिस्टर का नाम भी तारक अजीज़ था वो लड़की ने जब पासपोर्ट देखा तो ले के भागी एकदम मैं देख रहा हूँ मैं क्या हुआ उन्होंने समझा कि फ़ॉरन मिनिस्टर तारक अजीज हमने पकड़ लिया इराक वाला हम बड़ा सेवा गए अबे वो नहीं है भाई ये तो ज़रा देख तो लो अच्छा हमारे साथ अक्सर एयरपोर्टों में लतीफ़े शीफे होते रहते हैं तो मैं साथ ही इनके चलता रहता हूं इनका मेरा आपस का एक कह सकते हैं जन्म जन्म का यतीम खाना चौक पर दारुल शफ़कत आए वो इसकी जनरल काउंसिल के रुकन बच्चों में तहफ तकसीम किए पाकिस्तान फिल वक्त इसमें पंद्रह पंद्रह बीस बीस लड़के रहते हैं लेकिन हम इसको अब नया रंग दे रहे हैं कि चार बच्चों के लिए एक कमरा होगा अमेरिका से एक डॉक्टर को हमसे रबता किया इसको वो ऐसा एक बनाना चाहते हैं कि जिसमें बच्चे बिल्कुल घरेलू माहौल अपना वो समझें एकती आँखों और सुनते कानों जैसी असलाहत के मौजूद क्या आप खुद हैं बाकी दोस्तों की तरह वही वालेकुम या कोई लतीफ़ा गोई से मैं शुरू करता था तो मुझे ख़तूत आए और उसमें से एक अंधे लड़के ने कहा कि मैं आपका पूरा प्रोग्राम देखता हूँ आप मुझे सलामी नहीं करते तो अचानक एक दिन एक फ़िक्र ये उतर आया कि देखती आंखों सुनते कानों आपको अजीज का सलाम पहुँचे तासर है कि आप कई सालों तक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले परसन रहे कितनी बचत कर ली आपको मेरी वसीयत का पता है कि मेरी मौत के बाद मेरा सब कुछ पाकिस्तान के लिए है तो ऐसे बंदे के पास बचना क्या है सबसे ज्यादा मुआवजा कितना लिया शायद दस लाख रुपया घंटा भी लिया है और ऊपर मिनट जितने गुजर गए उनके भी पैसे चार्ज किए प्यार में ले जाके तो चाहे आप जिबा कर लें मैं चुप रहूंगा लेकिन अगर आप मुझे प्रोफेशनली ले, ले जाना चाहें तो मैं बड़ा जालिम आदमी हूँ मेरे पास वही आता है जिसको मेरी जरूरत होती है नीलाम घर के जरिए करोड़ों के इनाम ललचाया हाँ मुझ पर इल्ज़ाम आए कि जी हो जाता है डांट देता है, ये है ये है लेकिन ये किसी में आज तक जरूरत नहीं हुई कि ये कह सके कि जी इसने एक पैसे की भी यहाँ बेईमानी की है हो बरू चेहरे अच्छे लगते है नाकबले फरामोशिश कौन सा था वो इश्क किया और भरपूर किया उस इश्क में आखिर क्या खास बात थी मैंने जिंदगी में इतनी खूबसूरत आंखें नहीं देखी शायद पिकासो भी वो आँख ना बना सकता या एफ एम हुसैन भी वो आँख ना बना सकता या हमारा चुगताई वो आँख ना बना सकता जो कुदरत ने बना के उसे दी हुई थी। और मज़े की बात है उसे उसको भी नहीं पता था कि मैं क्या हूँ नाराज़ ना हो तो आपसे पूछूं वो फरजाना कहाँ है जिसके लिए आपने कहा था जेड़े कम नहीं तेरे फर्जी वो कम ना तो कर वो लंदन में आज से कोई कमो बेश पंद्रह साल से ज्यादा मेरे ख्याल हो गए हैं कि उसकी शादी ये अपनी नाजिया आसन मरहुमा थी ना इसके मामू के साथ हुई थी और मैं फरजाना का वकील बनना था उस शादी में खुद शरीक हुए उस वक़्त आपके एहसास क्या थे एहसास मैं नॉर्मल था थी उसकी शादी हो रही थी और उसने कहा कि मैं यहाँ अकेली हूँ मेरी शादी में कोई भी नहीं शरीक होगा मैंने कहा मैं आ जाता हूँ मैं, मैं लंदन का टिकट लिया मैं लंदन पहुँच गया वहाँ उसकी शादी में शरीक हुआ अगले दिन वो उधर और हम उधर शो में इन रहे फिल्मी दुनिया में हीरो रहे कौन सी अदाकारा या गुलकारा दिल को भाई जिन मानों में आप दोस्ती पूछ रहे ना उन मानों में नहीं एक दिल रखते हैं किस-किस पे ये तकसीम करें उन्होंने जर्मन शेफर्ड कुत्ते पाल रखे हैं मैं जानवरों से बड़ा प्यार करता हूं सिर्फ इंसानों से ही नहीं जानवरों से भी मुझे बड़ा इश्क होता है ये मेरे महबूब दोनों मेरे साथ खेलते हैं मेरे हाथ से खाना खाते हैं मजीद अमजद और मुनीर नियाजी के शहर साईवाल में पले भड़े क्या शेर व शायरी का जौक उनकी सोहबत के बास पैदा हुआ ऐसा था कि हमारे घर का एक अखबार निकलता था मेरे वालिद उस ने निकाला था तो मजीद अमजद मुनीर न्याजी ये दफ्तर में आते जाते थे और मेरा काम इनके लिए चाय सिगरेट ढोना होता था तो मुझे उस वक्त ये मजीद अमजद और मुनीर न्याजी अच्छे लगने लग गए फिर थोड़े से और बड़ा हुआ तो मैंने फरमाइशें शुरू कर दी वैसे तो पूरा दीवान ही औलाद की तरह होता है लेकिन आपको अपना कौन सा शेर पसंद है कि हम वो स्या नसीब हैं तारिक के शहर में खोलें दुकान कफन की तो सब मत न छोड़ दें ना शेंडलियर न कुमकुमे ना, कुम ना आरइश का सामान हर तरफ किताबें ही किताबें हैं ये शेंडलियर और ये वो तो अजायब घरों में होते हैं मेरा ये ईमान है कि जिस घर में किताब ना हो उस घर में बरकत ही नहीं होती कई नाकदीन शिकायत करते हैं कि आप में गुस्सा बहुत है वो तो शख्स बड़ा बेगैरत होता है जिसमें गुस्सा ना हो लेकिन उसकी जगह आप कौन सी जगह इस्तेमाल करते हैं गुस्सा अगर वाकई ऐसी जगह है जहाँ गुस्से को इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ गुस्सा आना चाहिए गुस्सा हो तो लड़ाई भी होती है अमली जिंदगी में कितने झगड़े किए? हाथ पाँव से मैं मुझे ज़्यादा नहीं लड़ना पड़ा मैं जबान से ज्यादा लड़ा हूँ दिमाग से ज्यादा लड़ा हूँ बहुत से खूबरू चेहरे आपके साथी मेज़बान रहे क्या उनसे मुलाकात रहती है बहुत कम अब पता नहीं वो भी नानियां दादिया हो चुकी होंगी ये समीना पीरजादा जो है ये मेरी द, यानी सामने लाई हुई लड़की है आर्टिस्ट है ये पहली बार नीलाम घर में मैं इसको लाया था शादी बहुत लेट की वजह क्या थी मुझ पर कुछ जिम्मेदारियां भी थी वो पूरी करनी थी तो उसके बाद फिर अपना सोचा फिर नहीं भी सोचा ये जो कहते हैं ना जोड़े आसमान पर बनते हैं मैं शोबिज का आदमी कराची में रहता हूँ समंदर में और टकराया जाके पहाड़ों में और पठानों में जाके नशेबो फराज तो आए होंगे शादी कैसी निभे अल्लाह हर एक को ऐसा साथी दे शोब की रोशनियों में हसीन चेहरों से मुलाकात बीवियां तो अक्सर नाराज ही रहती है तदाई दो तीन महीने मुझे बड़ी गालियां पड़ी टेलीफोन के हमसे तेरा वादा था और तू बेवफा और ये और ये मैंने उठा के दे, दे देना कि बीबी ये टेलीफोन सुन ले बाज लड़कियां मुझसे ज्यादा मेरी बीवी की दोस्त थे औलाद नहीं है तन्हाई महसूस करते हैं नहीं औलाद थी एक बच्चा था मर गया वो अल्लाह की अमानत थी वो ले गया जब एक चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है तो उसके लिए बेवा औरतों की तरह रोना मेरे आईन में नहीं है लिहाजा मुझे कभी कमी का एहसास नहीं हुआ क्या कभी दूसरी शादी का इरादा तो नहीं किया है है है। <laughs> ये जो मर्द होता है ना ये बड़ा कम चीज होती है कि हर खूबरू को देख कर कहते हैं शेख जी इसको ना मेरे बच्चों की अम्मा बना दिया मैंने अपने उन दोस्तों का हाल देखा है जिन्होंने दो दो तीन तीन की हैं मैंने उनको वक्त से पहले मरते देखा है। सुप्रीम कोर्ट हमला केस में नाहली और आपका जेल जाना ये सब क्या था अपने कलमे की कसम खाकर कहता हूँ मुझे कयामत के दिन नबी पाक की शफात नसीब न हो अगर मुझे इतना सा भी पता हो कि आज सुप्रीम कोर्ट पर हमला होना है जब आपका कोई किरदार ही नहीं था आपको सजा कैसे होगी हमला हुआ ये भी पता है किसने अरेंज किया यह भी पता है सियासत के सीने में दिल नहीं होता